हेलो एवरीवंस, मैं मिस्टर विशाल सर और आज आप देख रहे हैं विशाल सर की क्लास में इंग्लिश के क्वेश्चन जो 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम था 2021 के क्वेश्चन था आज मेरे पास है इंग्लिश के, जो साइंस के जितने भी कैंडिडेट थे और कॉमर्स के। और इस क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी टेक्स्ट की वीडियो लेकर आया हूँ, यानी जो बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह मैं आपको ट्रिक के जरिए, टिप्स के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, अगर इसके ऑलरेडी मैंने इसे पार्ट वन और पार्ट टू करके डाला था, ये साइंस और कॉमर्स के जितने भी सारे कैंडिडेट थे। तो एक्चुअली क्या है ना गाइज कि मैंने इसलिए आपको, बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो देखते हैं जिसमें पूरा फुल हैंडेड दे देते हैं कम ही समय में और समझा नहीं पाते और आपको याद भी नहीं हो पाता, आप कन्फ्यूजन कैसे होकर मारते ये भी आपको समझ में नहीं आता था। तो डियर गाइज, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है। अगर इससे मैंने 1 से 60 अगला ग्रामर की वीडियो मैं आपको क्लियर कर चुका था और ट्रिक से पढ़ा चुका हूं, इसके पिछले वाले लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा और पूरा जो पढ़ाने वाला हूं टेक्स्ट बुक से, यानी कि जो टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चंस जो आपको इसमें से क्या रहते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से और रेनबो के बुक से जो दिए रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं वो क्या हैं। तो आइए मैं आपको स्टोरी से वाई पोएम से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को डील करता हूँ। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले 61 क्वेश्चन में लिखा हुआ है द गुजराती इंक्लूडेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स, इसके आंसर सी है यानी गुड कंडक्ट। ओके, जो गुजराती इंक्लूडेंट से सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, गुड कंडक्ट। 62 क्वेश्चन में चलते हैं, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, क्या कर रहे थे, सी सम्स मिनिस्टर, सी सम्स मिनिस्टर। 63 क्वेश्चन की बात की जाए, वो लिखा है कि वॉस इंक्लूडिंग स्लीव ऑफ ग्रास एंड ड्रम, यानी किसने इन लोगों ये दोनों चीज पे काम किया था, वो इधर ग्रेट पोइट, ही ग्रेट पोइट के नाम से जाना जाता है, यानी लिखा हुआ है वॉल्ट व्हाइटमैन। ओके गाइस, उसके बाद 64 क्वेश्चन की बात की जाती है, तो 64 क्वेश्चन क्या करें आपको मैं यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ। लिखा है हु रन्स स्कूलिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीवर फॉलिंग फास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनने थे, तो इसके आंसर बिल्कुल ट्रॉल्स होंगे, यानी जो मारे होंगे आप मिला लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। 65 क्वेश्चन में जाते हैं, मैकावेटी, याद रखिएगा द मेस्टी कैट के लेखक है टीयर सीरियट, जो हैज बीन टेकन फ्रॉम, जो हुआ है ना ये आप याद रखिएगा, नंबर बी इसके ऑप्शन सही है, ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ द पर्टिकल्स कैट्स। ओके, 66 क्वेश्चन में चलते हैं, क्रॉसिंग ऑफ रिपर्स इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यूम ऑफ वर्सन इज रिटन बाई के एन दारू वाला या के एन दारू वाला, विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, 67 क्वेश्चन में चलते हैं, ही लेफ्टेड इज द हेड ऑफ द ड्रिंकिंग इज फ्रॉम अ स्नेक, अ स्नेक के लेखक है डी एच लॉरेंस। ओके, याद रखिएगा, और यही स्नेक बहुत थर्स्टी था, बहुत प्यासा था और वो इसी डी एच लॉरेंस के घर के पास रहता था और ये पानी पीने आया था और ये बहुत थ्रस्टी था। ओके, तो आप याद रखिएगा ड्रिंक से स्नैक्स, ओके, आसान तरीके है। उसके बाद 68 क्वेश्चन में चलते हैं, लिखा है हु रोट हकलबेरी फिन्स, ए ग्रेट पोएम है, तो इसके लेखक थे मार्क ट्वेन्स। ओके गाइस, उसके बाद हम अगली क्वेश्चन में चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो कन्फ्यूजन थे उसे दूर हो जाएंगे। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु रोट द पीसेस ऑफ व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियंस, ओके, इसके बर्टन रसल थे। ओके, बर्टन रसल। 70 क्वेश्चन की बात की जाए, सेबी वाच पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन ग्रॉन्ट, यानी सेबी जो 12 बज का बच्चा था, यानी जो 12th जापानीज बॉय थे, इसको बहुत पसंद था। ओके, इस क्रॉट्स यानी सेबी, ये द आर्टिस्ट से लिया गया है। ओके गाइस, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के लेकर कौन है, सिगानोया। ओके, आपको इसे याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 71 क्वेश्चन क्या कर रहा है, और जो टेक्नोलॉजी जितनी भी सारी आज हमारे देश में और हमारे वर्ल्ड में जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, हमारे किस चीज़ को प्रॉब्लम को चेंज कर रहे हैं, क्या कारण है। ओके, तो याद रखिएगा ये सोशल या हमारी सामाजिक प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं जितने सारे टेक्नोलॉजी हैं। 72 क्वेश्चन की बात की जाए, तो लिखा है बेंजी अंडरस्टूड्स अबाउट द बिजनेस ऑफ एंस, ये बहुत धीरे धीरे बहुत पुअर था और एक छोटी बिजनेस करते करते, चाहे वो अंडे की हो, खेती की, इसके बाद हेंस की बिजनेस की, तो इसके बाद आफ्टर दैट ए सक्सेसफुल पर्सन और ये बन चुका था। आते हैं 73 क्वेश्चन, ये 2020 में भी आई है गाइस, ये पूछ चुका है और आपको ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यानी मैं आपको समझा रहा हूं कि आने वाले और नेक्स्ट ईयर में या पिछले ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ कुछ ऐसे रिपीट होते हैं जो आपके माइंड्स में होनी चाहिए। तो यहां पर 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज .. देन संस्कृत एंड पर्शियंस, यानी इसके आंसर यंगर्स हैं। आप इसके प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और जो 2021 में भी इसको रिपीट किया गया। 24 क्वेश्चन की बात की जाए, गाइड तो लिखा हुआ द वर्ड्स ड्रामा कम्स फ्रॉम द वर्ड्स, यानी ग्रीक वर्ड्स। ओके,
तो आपको ये विशाल सर की क्लास कैसी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट करना गाइज। ओके, चलिए 75 क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है हु रोट द स्कॉलर गिप्सी यानी मैथ्यू एल्टोन्स। 76 क्वेश्चन की बात की जाए, हु डिड सी द कॉल ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न नोबल्स, इन्हें किसे कहा जाता है, यानी रिचर्डसन को आपको याद रखना है। 77 क्वेश्चन की बात की जाए तो लिखा है गोल्ड स्मिथ एंड सेल्डन मेन द कल्टिवेटिंग टू नोबल्स। ओके, उसके बाद 78 यानी बोक्सोनिया इज ए डॉट डॉट पोएट कौन थे, ये नाइजेरियन की थी। ओके, आपको याद होना चाहिए। और 79 क्वेश्चन की बात की जाए द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज द क्रिटिसाइज बाय द इन्फ्लेक्शंस। ओके, और 80 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है ए मेजर लैंग्विस्टिक चेंज इन द इंग्लिश द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। ओके गाइस, चलते हैं गाइस 81 क्वेश्चन में। दोस्तों मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियो दिया हूँ, साथ ही मोटिवेशन की वीडियो देना कि आपको पढ़ने में या स्टडी में कैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हर एग्जाम को आप अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा माने और एक एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है गाय। तो एक्चुअली आपको भी ये केयर भी करना है। तो 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाउ द लिव आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द ह्यूमन लाइफ। जो नाउ आर द लिविंग और फास्ट है जो इसके ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है, फ्रस्ट्रेशंस को दूर करता है। तो आपको याद रखिएगा इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। 82 क्वेश्चन की बात की जाए तो दाउ द वॉचिंग द लॉस्ट ओजिंग्स टू आर आवर्स वाई आवर्स इज फॉर्म्स ड्यू टू ऑटोमन्स यानी जॉन केट्स। इसके लेखक कौन है, जॉन केट्स, आपको ध्यान देना। उसके बाद 83 क्वेश्चन की बात की जाएगा, लिखा है एंड वेंट आई एम क्रम्बल्स हु आई विल रिमेंबर्स हुईच आई इन दिस लाइन्स यानी पोएट्स। यानी इसमें ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में कहा गया। 84 की बात की जाए द इन द हार्ट ऑफ एट पीसेस टू ऑनर एंड इंग्लिश सेवन इज फॉर्म्स द सोल्जर। ये सोल्जर के लेखक रॉबर्ट ब्रुक है गाइज। ओके, रॉबर्ट ब्रुक्स, आपको ध्यान रखना। और क्या था, ये जब भी बोलता था कि अगर कोई सैनिक हो वह उसका हर्ट हो उसे शांति मिले तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेवेंस, याद रखिएगा। 85 क्वेश्चंस की बात की जाए इन विच ऑफ पोएम दैट इज द पोएट एक्सप्रेस इज द सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। ये ब्यूटीफुल लेडी की जो बात आती है ना, तो एन इपीतेफ, इपीतेफ की हिंदी होती है कब्रगाह। ओके गाइज, तो आप याद रखिएगा जब इसके वाल्टर डी ला मेयर्स ने ऑलरेडी लिखा था, ये इसकी बहुत बड़ी लवर थी और हमेशा ये प्यार जिससे करता था उसे देखकर बहुत याद करता था। ये ब्यूटीफुल लेडी की कहानी है, सॉरी कविता है। ओके, ये पोएम्स है जो हमेशा पोएट्स इसके प्रति बहुत ही लवेबल था, डेट इज कॉल लवेबल पोएम थे ये। 86 क्वेश्चन की बात की जाए, लिखा हुई बात रिमेंबर एट द बार पोएट। बार पोएट, बार पोएट मीन्स रॉबर्ट ब्रूक। बार जब भी होता है यानी सोल्जर्स, ठीक है ना, तो सोल्जर्स, ठीक है ना, तो सोल्जर्स के लेखक कौन है, रॉबर्ट ब्रूक, यानी बार पोएट किने कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूक को। उसके बाद हम चलते हैं 87 क्वेश्चंस क्या करिए आपको, हु फाइंड द मैकेविटी लेजी एंड द हाफ एस्लीप, यानी इसके लेखक क्या, टीएस एलियट। ओके, उसके बाद लिखा 88 क्वेश्चन, डीएच लॉरेंस स्टार्ड एट द वैल्यू ऑफ द प्राइमेटिव लाइफ इन अ स्नेक। ओके, उसके बाद क्या है कि सम ऑफ द इमिटेटेड एंड द वोलेंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस आर द टू मैडिंग्स टू इन द रिसेट इज फॉर्म। ओके, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक समझिए गाइज, कि जब भी हमारे देश में कुछ ना कुछ जो मॉडर्न इन्वेंशन हो रहा है, हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता ही इसको बताती है। ओके, 90 क्वेश्चन की बात की जाए तो इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड एज यानी पॉल्स एस बुक। ओके, यानी जो इंडियन ट्रॉट एंड ट्रेवल आज के लेखक पल से, जब ये चीन के थी, जब वो इंडिया घूमने आई थी, तो जब इनका पार्ट ऑफ बैकग्राउंड था जो चाइना से सेम करता था, तो ये पल से इस वक्त इससे ज़्यादा रिलेटेड थे। आइए उसके कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं गाइस, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो कमेंट जरूर करना गाइस। ओके, लिखा है इंपेशंस प्रोक्लेमेशंस गिव टू निग्रो द फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी मीन्स आज़ादी और गुलामी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जितने भी सारे निग्रो जनजाति के लोग होते थे वो ऑलरेडी फ्रीडम और स्लेवरी से छुटकारा, यानी जितने भी सारे थे वो फ्रीडम जानते थे। उसके बाद 92 क्वेश्चंस की बात करी थी, वॉर्टन रसल वाज ऑल्सो, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस भी थे, यानी बहुत बड़े मैथ थे जो बहुत सारे ऐसे मैथों को ग्रेट पर्सन के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके बाद 93 क्वेश्चन की बात की जाए तो वेन वी स्पीक द फ्रीडम्स द फ्रेस, ओके, प्रेस की बात की जा रही है। ओके, यानी हाउ फ्री द प्रेस डॉल्थियर सीयर्स। ओके, वी आर रियलिस्ट टू मैंस ऑफ द सेंस, ये क्या कर रहा है, टेक्निकल का। आप जानते हैं मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटन चेखव थे जो इसको, ये जो कहानी है सिर्फ ओनली फॉर कॉमेडी है। ओके गाइस, उसके बाद 95 क्वेश्चन की बात की जाए, डोना स्टडीज लॉ एंड रीड, यानी वो किस चीज़ के करते थे, थियोलॉजी, कितना फिलोसफी की भी केयर करते थे। उसके बाद 96 क्वेश्चन की बात की जाए तो आई सेलेक्टेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फॉर्म द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके गाइज, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिविलाइजेशन इज एट द मोड ऑफ कंडक्ट विच द पॉइंट आउट ऑफ द पथ ऑफ ड्यूटी इज कॉल्ड। ये जब सिविलाइजेशन की बात होगी तो आप आंख मुन के क्या मारेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 98 क्वेश्चन की बात की जा रही है, द पीपुल हैव द चूजन द मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम, हु सेज, किसने कहा था
कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। 99 क्वेश्चंस में चलते हैं गाइस। हु ट्रेवल फ्री द विथ नानू काका यानी किटेंस। ओके किटेंस आपको याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस द बैक ब्लैक पीपुल इन द कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, यानी फेथ। यहाँ पर टोटल मैंने आपके 100 क्वेश्चन आपको मैंने डील कर दिया हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और एक काम आपको और बच गया, बस इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके क्योंकि शेयर करने से क्या होता है ना गाइस कि जितने भी सारे बच्चे कन्फ्यूजिंग थे, पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रहा था, वो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सेट आते हैं मारने के बाद, तो लोग प्रॉब्लम्स हो पाते कि मुझे कितने हाइस्ट मार्क आएंगे। तो इस वीडियो से उन्हें पूरा पता चल जाएगा कि क्या मैंने कन्फ्यूजन किया था, और साथ में साथ ये ट्रिक भी आपके पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करना और शेयर करना बस, और चैनल से पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब करना। मैं मिस्टर विशाल सर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।